मत्स्यासन और फिश पोज। इस आसन को करने के लिए हम अपने पीठ के बल ऐसे लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को पाम को नीचे की साइड रखते हुए बटक्स के नीचे रख लेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे, अपने टोर्सो को ऊपर उठाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर एल्बो, और अपने हेड ऑफ द क्राउन, अपने सर को ऐसे धीरे से नीचे रख लेंगे। थाइज मसल्स को एक्टिव रखेंगे और अपने टोज को आगे की तरफ रखेंगे। ये आसन हमें खाली पेट करना चाहिए और दिन में सिर्फ एक ही बार इसकी प्रैक्टिस करें। 30 सेकेंड से एक मिनट तक आप इस पोज में रुक सकते हैं। बिगिनर्स कैन सपोर्ट द हेड विद ब्लैंकेट, और बैक के नीचे भी आप चाहें तो सपोर्ट के लिए एक पिलो यूज़ कर लीजिए। जिनको थायराइड है या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनके लिए ये एक रामबाण है। टू कम आउट फ्रॉम दिस पोज, लिफ्ट योर हेड अप एंड धीरे से नीचे रख लीजिए एंड रिलीज योर हैंड्स, और शवासना में 2 मिनट के लिए कम से कम रेस्ट कीजिए। इसका एडवांस वर्जन है पद्मा मत्स्यासना, लोटस फिश पोज। इसके लिए हम सबसे पहले लोटस पोज में बैठेंगे, मीन्स पद्मासना में बैठेंगे। सबसे पहले दंडासना में ऐसे बैठ जाएंगे और अपने एक पैर को उठाकर ऐसे अपने थाइस पे रख लेंगे एंड अब दूसरे पैर को ऐसे स्लाइटली लिफ्ट करके ऊपर रख लेंगे और अपने हाथों की मदद से पीछे ऐसे लेट जाएंगे। अपना क्राउन ऑफ द हेड नीचे रखेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने बिग टो को होल्ड कर लेंगे एंड रेस्ट इन दिस पोज। दिस आसना इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डिजीजेस। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार मत्स्य अवतार के नाम पर इस आसन का नाम है। हाथों के सपोर्ट से सर को ऊपर उठाकर बैक को नीचे रख लेंगे और धीरे से पद्मासना को रिलीज करेंगे एंड रेस्ट इन शवासना। ये आसन हमारे चेस्ट और नेक को स्ट्रेच करता है, हमारे शोल्डर्स और नेक से टेंशन को रिलीज करता है। इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से हमारे अनाहता, विशुद्धि और अजना चक्र एक्टिवेट होते हैं और ये हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिनको नेक और बैक इंजरी है, माइग्रेन का इशू है या हाई बीपी या लो बीपी है, उनको ये आसना प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू।